पर राजवसु अंब पर रावण सर अंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संभुरति नाह पर दो सहस बाह पर राम विजय राज है। भारत के वीर सपूतों में एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ तो वहीं कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। इंद्रजिमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण सर अंब पर रघुकुल राज है। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और अतताई राज्य सत्ता के स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर प्रवर शिवाजी महाराज ने किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रणी वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। आओ जानते हैं श्रीमंत छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में न्यूज इंडिया A9 पर। सोलह सौ 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी महाराज ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभु सत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्यक जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों की रक्षा ही नहीं बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। वही पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने के आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों घेरे में लेकर मारना चाहा, लेकिन समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बघनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पार कर वहां से तूम दबाकर भाग गई। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया।
लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1,00,000 सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को ब्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। वहीं पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी महाराज ने जयसिंह से संधि की। वहीं आपको बता दें कि दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हो गई। लेकिन शायद इसके बाद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। इंद्रजीवी जंब पर वादवसु अंब पर रावण सर अंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर संभुरति नाह पर जो सहस बाह पर राम विजय।